बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च भारत के गोवा राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बैगनिनम नामक स्थान पर स्थित है। यह चर्च पुराने गोवा में स्थित है और ओल्ड चर्च के नाम से भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च को जाना जाता है, क्योंकि यह गोवा का सबसे पुराना चर्च है। सन 1594 में इस चर्च का निर्माण किया गया था। सन 1605 में इसे संरक्षित किया गया। इस चर्च का निर्माण भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ मेल भी खाता है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ साथ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया है। इमारत का मुखौटा काले ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है और इसमें डोरिक, कोरिथियन और समग्र शैलियों का एक सूक्ष्म मिश्रण प्रदर्शित है। चर्च की ऊंचाई 61 फीट है और स्तंभ को बसाल्ट से उभारा गया है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है, जो कि सेंट इग्नेशियस लोयला के बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनके साथ उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना के कार्यभार की शुरुआत की थी। यहां रखे अवशेष 400 सालों से सुरक्षित रखे हुए हैं और एक दशक में एक बार उन्हें निकाला जाता है। गोवा के सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को पहले पुर्तगाल में संरक्षित किया गया था, लेकिन 2 साल की अवधि के बाद वापस बेसिलिका में भेज दिया गया। माना जाता है कि संत के पास चिकित्सीय उपचार की अभूतपूर्व शक्तियां थी। उनके शरीर को अभी भी अच्छी तरह से सजाकर एक ताबूत में समाधि के रूप में रखा गया है। सन 1759 में पुर्तगालियों द्वारा राज्य की सभी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, लेकिन चर्च को अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी गई है और तभी से इसे एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च की एक साधारण संरचना है। यदि इसकी सोने की बनी वेदियों को छोड़ दिया जाए तो इसमें बास्क वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ सेंट एंथोनी की वेदी दाईं ओर स्थित है। चर्च में 2 सजी हुई वेदियां स्थित हैं। इन 2 वेदियों में से एक और लेडी ऑफ होप और दूसरी सेंट माइगल को समर्पित वेदियां हैं। चर्च की मुख्य वेदी में सेंट इग्नेशियस लोयला की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसमें प्रभु यीशु की एक आकृति प्रदर्शित की गई है और HIS अक्षरों के साथ एक पदक को ऊपर देखा जा सकता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को यहां सुरक्षित तरीके से रखा गया है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के परिसर में एक आधुनिक आर्ट गैलरी भी है। गैलरी के मुख्य प्रदर्शन में इतावली
चित्र है जो कि सन 1973 और 1974 के बीच की अवधि के दौरान बनाए गए थे। Thank you.